19 इंची ये लंबा है और 7 इंची ये चौड़ा है। तो अब जो हम इसमें हैंडल लगाने वाले हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना इस तरीके को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MZS वुडवर्क। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MZS वुडवर्क पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये जो दराज का मत्था होता है, इस पर आप हैंडल आसानी से किस तरह से लगा सकते हैं। एक आपका जो हैंडल होता है वो बाहर से पेंच वाला होता है, वो आप काफी ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं, और ये अंदर से पेंच वाला होता है तो इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है न्यू कारपेंटर भाई को। जो इसकी दराज में ये किस तरह से लगानी, 19 इंची तो लंबी है आपकी और चौड़ाई जो है इसकी 7 इंची है, तो आप इसमें किस तरह से आसानी से ये हैंडल को लगा सकते हैं अंदर से पेंच वाले को। इस वीडियो में आप बन रहे हैं, इस वीडियो को प्रॉपर देखें न्यू कारपेंटर भाई, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूं इसकी पूरी जानकारी किस तरह से हैंडल को लगाया जाता है, इस वीडियो में आप बने रहे। इसका मत्थे का साइज है ये 19-7, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ। तो अब जो हम इसमें हैंडल लगाने वाले हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना इस तरीके को। तो सबसे पहले जो है हम इसका सेंटर कर लेते हैं, तो हम 3.5 इंची का डबल करेंगे तो ये 7 इंची हमारा आ जाएगा। तो अब ये हमारा एक सूत है, तो अब जो है ना हम इसे 3.5 इंची में से आधा सूत कम कर लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर सेंटर आ जाएगा। सूत पर लगा लेना है, तो इस तरह से ये लग गया आपका। उसके बाद अब हमें जो इसमें सहायता पड़ेगी, सानों के सेंटर में लगा लेना है। तो ये हमारा मास्किंग टेप भी लग चुका है। अब हम अपना हैंडल उठाते हैं, लेते हैं इसका ऊपर, आपको यहाँ निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये जो हमारा निशान लग चुका है, तो अब जो है ना हमें ये सीधी कोई चीज़ ले लेनी है, या तो आप कोई लकड़ी ले सकते हैं, प्लाई ले सकते हैं, या फिर सनमाइका का टुकड़ा ले सकते हैं। इसको हम बिल्कुल सीधा उतार लेते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ये निशान आपको इस तरह से उतार लेना है। ये उतर गया, उसके बाद अपना इसी इसके निशान का जो सेंटर है हमारा, ये आप समझ रहे हैं ना, इस निशान के सेंटर पर आप जो आपका जो इसमें हैंडल लगाने वाले हैं, आप इसका भी सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटर कर लें इसका, हल्का सा टिक यहाँ पर मार लें एक, और एक टिक आप यहाँ पर मार लें, तो इससे हमारा बिल्कुल प्रॉपर ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए आप, इस तरह से आपको ये लगा लेना है। उसके बाद अब आपको ये रख लेना है अपने इसके निशान पर। अब हम इसका इस वाले जो हैंडल का है इसका सेंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक जो है ना निशान 5 इंची पर उतार लेते हैं, तो ये हमारा 5 इंची पर उतर चुका है निशान। उसके बाद हम एक निशान यहाँ पर उतार लेते हैं 5 इंची का, तो ये एक निशान हमारा 5 इंची का यहाँ पर उतर चुका है। अब एक निशान हमारा 5 इंची का वहाँ पर उतर चुका है, एक निशान हमें यहाँ पर उतर चुका है। उसके बाद हमें जो है ना इसको देख लेना है, ये देखिए, तो ये एक निशान 5 इंची का आपका ये आ गया, और एक निशान 5 इंची का ये आ गया। इन दोनों के निशान के आपको बीच में इसको सेट कर लेना है। ये देखिए आप, ये अब मेरे ये इस टाइम बिल्कुल बराबर रखा है। अब हम इसको नाप लेते हैं, तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है आपका 5.5 इंची सूत। अब यहाँ से भी देख लेते हैं 5.5 इंची सूत, तो यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल ये सेम ही आ रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 5.5 इंची सूत हमारा कंप्लीट यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप इस तरह से अगर हैंडल लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप हैंडल लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी जो मार्किंग करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये टुच मारे हैं, इस पर निशान पर रख लेते हैं पहले इसको। ये हमारा रखा गया, उसके बाद अब हम इसके यहाँ पर ये निशान उतार लेते हैं जो हमारे इसके कब्जे गए हैं। और उसके बाद इसमें जो है आपको करना है, ये आपको थोड़ा टेपर में कर लेना है, इस तरह से आपको ये टेपर में कर लेना है। उसके बाद जहाँ भी आपका निशान आ रहा है, इसका जो इसका होल हो, इसके अंदर जो होल होता है, इसके सेंटर में आपको एक निशान हल्का सा यहाँ पर लगा लेना है। तो ये देखिए, आपको ये इस तरह से टेपर में कर लेना है, और उसके बाद ये नीचे आपको जहाँ पर इसके ये होल के जो आपका ये है निशान, इसके सेंटर में आपको ये निशान यहाँ पर उतार लेना है। तो ये मैंने दोनों निशान उतार लिए हैं। उसके बाद ये जो हमने उतारे हैं निशान, आपको ये गुनिया से सीधे कर लेने हैं। ये देखिए आप, तो ये इस तरह से हो गया हमारा, तो ये हमारे कंप्लीट निशान उतर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो हमने उतारा है निशान, अब हम इसमें एक कील ले लेनी है। आप इससे हमारा ये होता है, हमारी ड्रिल मशीन का बिट स्लिप नहीं होता, अपनी प्रॉपर जगह पर सेट रहता है। तो इसी तरह से हम दोनों जगह पर इसके प्लस वाले ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको ले लेने हैं दोनों निशान, ये भी ले लेना है, ये भी ले लेना है। उसके बाद ये आपको जो हमारा बिट लगा है, ये 6 mm वाला बिट लगा है, आपको 6 mm वाले बिट से इसमें होल कर लेना है। ये कुछ इस तरह से हमारे निशान उतर चुके हैं। उसके बाद हम अपना इसमें हैंडल लगाते हैं। उसके बाद जो है अब हम इसको इसमें थोड़ा सा इसकी चूनी चढ़ा लेते हैं। ये देखिए आप, ये चढ़ गई, ये बिल्कुल इसमें इससे हमारा ये होता है कि बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट आ जाता है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हैं
तो आपका थोड़ा सा ये फ़र्क नहीं आएगा, प्रॉपर अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पेंचकस की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा काफ़ी अच्छे से हैंडल लग चुका है, तो हमने बिल्कुल टाइट कर लिया था। जो इसके पीछे होल आया वो कुछ इस तरह से आपके पेंच आ गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हैंडल लगाने का तरीका आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जगह लाल कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी और मैं आपके लिए न्यू कारपेंटर के लिए वुडवर्क से रिलेटेड, लकड़ी काम से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ये आपको हैंडल लगाने का तरीका आज मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।